उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ाया गया है। गृह विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की एक विशेषज्ञ कमेटी गठित की थी। कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए पहले 6 माह का समय दिया गया था, जिसे पूर्व में 2 बार बढ़ाया जा चुका है। कमेटी का वर्तमान कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अब कार्यकाल फिर से 4 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद कमेटी के पास अब रिपोर्ट देने के लिए अगले साल 27 जनवरी तक का समय उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी मानना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। का कार्यकाल बड़ा है और इस कार्यकाल में हमें पूरी उम्मीद है कि हमको संकलन मिल जाएगा और संकलन मिलते ही हम उसको लागू करने की दिशा में